वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल सत्य गुरु जी पे। तो यहाँ पर हमने सोचा कुछ अलग जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जानकारी ना बहुत काम की होने वाली है, हो सकता है कि ये जानकारी आपको पूरी लाइफ बहुत काम आने वाली है। और आजकल के जैसे ट्रैफिक का नियम चेंजेस हो रहा है, बहुत लोगों को बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है, बहुत लोग काफ़ी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पर उनको अपनी व्हीकल के बारे में जानकारी नहीं होती है कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है या मैंने रोड टैक्स दिया है या मेरा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या मेरा परमिट क्या है नहीं है। सारी कुछ की जानकारी पूरे एक वीडियो में मैं देने वाला हूँ, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा आपको कैसे आप अपनी गाड़ी का पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, उसका क्या इंश्योरेंस फेल है नहीं है सब कुछ। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, आप भी मतलब बहुत मस्त लगेगा ये वीडियो, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटा सा जानकारी है और बहुत काम का लेकिन होने वाला है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, parivahan.gov.in, जी हाँ इसका लिंक है वेबसाइट का, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। ये वेबसाइट जैसे ही आप इस तरीके से खोलिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में कुछ अलग जानकारी मैं आपको पहले बताया दूंगा। तो थोड़ा सा मेरा जो चैनल है आपको पता ही है कि मैं थोड़ा अधिकतर फोकस करता हूँ गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह में और इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कभी कभी कुछ एक्सटर्नल आपको जानकारियाँ देते रहूँ, आपके साथ शेयर करते रहूँ। तो आप इस वेबसाइट पर चले आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ आपको ये वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है ऊपर में। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो मैं जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर आप देखेंगे आपको थर्ड नंबर कॉलम इन्फॉर्मेशन सर्विस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन सर्विस करके आपको ये जानकारी दिखेगी इस लिंक पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे आपको दिखेगा नो योर व्हीकल डिटेल्स, जी हाँ आप अपनी गाड़ियों का, आप अपनी कोई भी गाड़ी हो चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या हाईवा हो, ट्रक हो, जो भी हो, सारी जानकारियों आप अपनी गाड़ी के बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर केवल नो योर व्हीकल डिटेल्स पे क्लिक कर लेना होता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे देखिए पूछेगा, आप एक एक्सटर्नल वेबसाइट में जाएंगे, इस वेबसाइट से ठीक बाहर एक दूसरी वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, तो आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक अलग वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। जैसे आप देखिए एक्सटर्नल वेबसाइट पे आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन लॉग इन करके दिख रहा होगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो डायरेक्टली आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है यहां पर। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्रिएट अकाउंट, देखिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आपको क्रिएट अकाउंट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपसे दो चीज मांगा जा रहा है, पहले में आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और दूसरे में आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। अब आप अगर अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंटर कर लिए हैं तो उसके बाद आप जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनाना आता है तो ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे एक वीडियो को देख लीजिएगा कैसे ईमेल आईडी बनाते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर के ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो अब आप जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ओटीपी आपके जो भी मोबाइल नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर और आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो दोनों का ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये मोबाइल नंबर है आपका, इसका ओटीपी आप यहाँ पर भरेंगे और ईमेल आईडी पे जो भी ओटीपी आया है उसका ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। इंटर कर लेने के बाद आप वेरीफाई बटन पे नीचे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नया स्टेप फिर आपको करना है, ये मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, नेम की जगह पे आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे और नीचे आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, एक पासवर्ड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप से आपको पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पर आप अपना पहले नाम एंटर कर लीजिए, पासवर्ड बनाने के बाद नीचे आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे थैंक यू का एक मैसेज आपको दिखेगा, सिटीजन यूजर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट सक्सेसफुल तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे बैक टू व्हीकल सर्च, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, व्हीकल सर्च करना है कौन सी गाड़ी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिए लॉगिन करने के लिए अब आपको ऑप्शन फिर से दोबारा मिल चुका है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर जो भी अभी आपने अपना मोबाइल नंबर दे करके अपना रजिस्ट्रेशन किया
यहाँ पर मोबाइल नंबर को इंटर कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अगले स्टेप में देखिए आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे इस वाले कॉलम में। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपको गाड़ी नंबर पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आपका गाड़ी का नंबर होगा आप अपने गाड़ी का नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा को ये वाले बॉक्स में आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे आप वाहन सर्च ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए RC स्टेटस, यहाँ पर आपकी पूरी जो भी गाड़ी है वो आपके गाड़ी का पेपर जो होता है उसको हम लोग RC बोलते हैं, वो RC स्टेटस यहाँ पर देखेंगे आपकी गाड़ी का नंबर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद ये गाड़ी किस टाइप की है तो यहाँ पर आप देखेंगे गुड्स सर्विसेज, यहाँ पर LGV टाइप्स की गाड़ी है, यहाँ पर गाड़ी आपको डीजल वाली गाड़ी है। उसके बाद गाड़ी आपका मिनी ट्रक है और ये किस कंपनी की है, टाटा मोटर्स की ये कंपनी है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिटनेस, गाड़ी का फिटनेस, यहाँ पर मेरा एक्सपायर है तो मेरा एक्सपायर यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर वैलिडिटी आप देखेंगे, ऑनर का नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ऑनर नेम आपको दिख रहा होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट है। उसके बाद आप अपना फिटनेस देख सकते हैं, फिटनेस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिटनेस आपका कब तक है ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इंश्योरेंस आप देख सकते हैं 2022 तक इंश्योरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद आपका रोड टैक्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रोड टैक्स जो है आपने कब तक पेड कर दिया ये भी आपको दिखेगा। उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिएगा, NA नहीं है, इस तरीके से आप अपने गाड़ी का जो भी आप डिटेल है सारा कुछ यार आप चेक कर सकते हो, और ये गाड़ी क्या हुई है, फाइनेंस हुई है, ये आप भी यहाँ सब कुछ देख सकते हो। यार एक वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल चेक करने के लिए बता दिया, कैसे कैसे आप यूज करोगे, कैसे आप चेक कर सकते हो अपनी पूरी गाड़ी का डिटेल। नीचे आपको कुछ टर्म्स एंड सर्विस है तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, और बहुत बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ इस वीडियो में यहाँ पर। और हाँ, आप इस जो भी जानकारी मैं आपको शेयर किया इसका इनलीगल यूज़ नहीं कीजिएगा, ये केवल आपकी अपनी व्हीकल की जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने बताया है, बनाया है, और आप इसका कोई भी मिस यूज़ प्लीज़ मत कीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी, और हाँ अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो ना तो आप हमारे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा, मैं कोशिश करूँगा और अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के साथ बनाऊँ, बताऊँ, शेयर करूँ। तो प्लीज़ अगली वीडियो में हम फिर से आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।